Hey guys, what's up? Welcome back to the new episode Long Drive with Faisu. और आज हमें join कर रहे हैं मुन्ना भाई के सर्किट धमाल के आदि, the one and only अरशद वासी, big fan. मेरे बारे में बात कर रहा big Faisu. big fan. मैं भी big fan. चलो, चले, चलो घुमाने लेके चलो. Cool, बिल्कुल. सर, मैं सोच रहा था W ढूंढ लेते थे अपन. नहीं नहीं, अभी तो नौकरी ढूंढते, काम करते नौकरी ढूंढते. कौन है ये? हाँ, ये अभी मैंने बहुत देखा है. एडी और एडी हरकतें बहुत की है. भाई, सर्किट जो कैरेक्टर था वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था? हाँ, एक्चुअली दो तरफ, वो सही जगह पे टर्न हो गया, वो गलत जगह पे भी टर्न हो सकता था. रिवर्स में मैं बता रहा हूँ. सुनील ने कोई टाइम बोला था हम लोग कोई फिल्म कर रहे थे, अच्छा तू इम्प्रोवाइज करेगा ना? तो मैं बोला हाँ. बोलता भाई तेरे लिए नहीं, मेरे लिए करूँगा. संजय दत्त और आपका बॉन्ड कैसा है? बढ़िया है, बहुत अच्छा. क्या अजीब रैंडम सा मैसेज आता है मेरे को कभी, ब्रो आई एम इन अफ्रीका, शुड आई गेट यू समथिंग? मैं दो हाथी ले आऊंगा. भाई आदि या सर्किट, कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है आपका? यार मैं सच बताऊं ना, मुझे दोनों ही नहीं पसंद. मार पड़ेगी दोनों. तुमको नहीं पड़ेगी, मुझे पड़ेगी. यू नो, जो ट्रॉमा आप जिससे गुजरते हो, कई चीजें आप बता नहीं पाते हो. जो लाचार बेसहारा लोग थे धमाल में, वो सारे पिक्चर में एक्ट कर रहे थे. मेरे को 27 साल होने हैं इंडस्ट्री में. आज भी मैं फिल्म में ओके हो जाता है, डेट हो जाती है, फिर एक स्टार किड आता है और मेरे हाथ से फिल्म चली जाती है. वो आज भी हो. अरशद भाई कैसे हो? बहुत फर्स्ट क्लास हूँ मैं, एकदम. मैं बहुत खुश हूँ. मजे में. मैं भी बहुत खुश हूँ कि आप आए शो पे. और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे किसी ने तो बुलाया बात करने के लिए. बोले ये शो मैं हमारे लिए कर रहा हूँ, मैं ये शो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि तुमसे कोई बात तो करे. बेचारा अरशद भाई, मेरे शो के ना कुछ सेगमेंट है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा. तो जो सबसे पहला सेगमेंट है ना, वो फोन त्यागना सेगमेंट है. आप अपना फोन मुझे दे दो. मैं तो बाय 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 और बिल भी नहीं भर रहा हूँ. क्योंकि फोन आता ही नहीं है, तो मैं भूल गया इसको यूज कैसे करते. तो ये फोन आपका, ये फोन मेरा. हम दोनों फोन को हाथ में लगाएंगे, बेचेंगे नहीं. सिर्फ 40 मिनट के लिए रखा हूँ मैं, आधा घंटा समझ लो. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कोई भी डिस्टर्ब करे. नहीं करता कोई डिस्टर्ब. अरशद भाई, दूसरा जो सेगमेंट है वो है टॉक ऑफ द टाउन. सबसे हाईएस्ट मीम आपके यूज होते हैं यूट्यूब पे, क्या बात करो. हाँ, अच्छा तो मुझे ये बताओ आप कि आपका डिजिटल को लेके क्या कहना है? यार मेरे हिसाब से तो बहुत ही कमाल की चीज है, बट मैं ऑफ कोर्स. आपने ये वाला मीम नहीं देखा आपका? कौन है ये? हाँ ये अभी मैंने बहुत देखा है. ये तो देखते रहता हूँ. मेरे कितने वीडियो में बहुत मस्त है. लेकिन मेरे को बड़ा मजा आता था जब मैंने वो एक टाइम आया था, वो जेलों का कुछ ना कुछ कपड़ा ऐसा पहना था जिसकी पैंट और जूते सेम थे. हाँ. तो पैंट नीचे तक थी, जूते के साथ कनेक्टेड थी और शर्ट बाहर था. हाँ. और फिर मेरा आया था, कौन है लोग, कहाँ से आते. तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है डिजिटल को लेकर? आपको क्या लगता है कि डिजिटल कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे लोगों के लिए? यू नो, बहुत आज के टाइम पे तो खैर अभी तो इम्पोर्टेंस डिजिटल की शुरू हो चुकी है और वो इम्पोर्टेंस बढ़ती ही जाएगी. हाँ. और मालूम एक एक मजे की बात बताऊँ फैजू, इसमें क्या हुआ है. हाँ. लोगों को है ना अपने आप को एक्सप्रेस करने का ना एक जरिया मिला है. yes. वरना क्या होता था कि कई लोगों के पास, बहुत लोगों के पास टैलेंट होता है लेकिन वो प्लेटफॉर्म ही नहीं होता है दिखाने का. सही बात. तो है. उसमें वही लोग जिनकी कोई पहचान है और जो जो कनेक्टेड है वो कर पाते हैं है. वरना बेचारे जो जिनका कोई कनेक्शन है नहीं वो फंस जाते हैं. उनके पास ढेर सारा टैलेंट है लेकिन जगह ही नहीं दिखाने. आज के टाइम पे अगर कोई ब्लॉकबस्टर मूवी को हमको चलाना है तो उसके लिए स्क्रिप्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चेहरा? अरे ये तो बड़ा कमाल का सवाल है. मेरे हिसाब से स्क्रिप्ट इम्पोर्टेंट है और स्क्रिप्ट ही इम्पोर्टेंट होनी चाहिए और टैलेंट इम्पोर्टेंट होना चाहिए. टैलेंट चेहरा क्या है ना, चेहरे का क्या चक्कर है कि वो आज अच्छा है कल अच्छा नहीं होगा. और वो क्या कहते हैं, आपके माँ बाप की देन है, इसमें आपका कुछ ज़्यादा योगदान नहीं है. यू नो व्हाट आई मीन? 100% राइट. सो व्हाट हैपेंस इज के मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मतलब इट्स नाइस टू सी प्लेजेंट गुड लुकिंग लवली फेसेस ऑन स्क्रीन, दैट इज़ अ फैक्ट. ओके, वी ऑल वांट टू सी गुड लुकिंग हैंडसम मैन, गुड लुकिंग वीमेन ऑन स्क्रीन. अच्छा लगता है खूबसूरत देखने को, अच्छा लगता है. जिंदगी में भी हमको खूबसूरत चीज़ें देखने को अच्छी लगती है, अच्छी बातें सुनने को अच्छी लगती है. सो वो अच्छा है,
उसके साथ अगर वही बंदे में टैलेंट हो ना तो फिर आप ऋतिक बन जाते हो, फिर आप रणबीर बन जाते हो, फिर आप ये लोग बन दीपिका बन जाते हो, आलिया बन जाते हो, फिर आप वो, फिर वो मजे की बात है। तुम भी जब एक्टिंग एक्टिंग करना शुरू करो तो पता चलेगा फिर मेरे बात याद आएगी। गाड़ी में बोला था मैंने डिजिटली अपना अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा किया कि मुझे कहीं ना कहीं बॉलीवुड से ऑफर है, बट मैंने ये सोचा है कि जब तक का मैं खुद तैयार नहीं हूँ बिल्कुल तो मैं दिखाऊंगा क्या लोगों को। लोग पूछा करते थे ना एक्टिंग के बारे में, मैं हमेशा उनको कहता था यंगस्टर्स को, जो मेरे ख्याल से बहुत ही इट्स अ वैल्यूएबल एडवाइस। सो फॉर मी ना एक्टिंग इज लाइक स्पेशल इफेक्ट्स, ठीक है। अगर आपको स्पेशल इफेक्ट दिखाई देता है ना तो वो खराब स्पेशल इफेक्ट्स है, अच्छा नहीं है। अगर आपको एक्टिंग दिखाई देती है ना तो वो खराब एक्टिंग है, अच्छी नहीं है। स्पेशल इफेक्ट दिखाई नहीं देना चाहिए, एक्टिंग दिखाई नहीं देना चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए। बिल्कुल, सब मजा आता है जब आप करते हो और मैं आपकी पर्सनैलिटी को भूल जाता हूँ, यू नो, तब मजा आता है। जब जैसे आई मीन कई अपने एक्टर्स करते हैं, वो आमिर करता है, यू नो, मनोज वाजपेयी ने किया है कई फिल्म, हम भूल जाते हैं कि वो एक्चुअली आदमी कौन है, उसका नाम, यू नो, हम ये हम लोग बह जाते हैं उसके कैरेक्टर में रहते हैं कि वो कैरेक्टर के नाम पकड़ के फिर करेक्ट लाइक मैंने जो मैंने किया सर्किट में, अभी मेरा मेरी आइडेंटिटी खत्म हो गई है, हो गई है गब्बर सिंह, यू नो व्हाट आई मीन। So that is a good thing. वो करना चाहिए। भाई कोरियोग्राफी की जर्नी कैसी थी आपकी? डांसिंग एक शौक है। कोरियोग्राफी मैंने सिर्फ एक ही फिल्म में की, रूप की रानी चोरों वाला है, उसका मैंने टाइटल गाना किया, तो बस वही किया। बट मुझे कुछ खास मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था कोरियोग्राफी में। फिल्म कोरियोग्राफी उसके मैंने प्लेज मैंने बहुत किया, प्लेज तो मैंने खूब करता था। कोरियोग्राफी अपनी रखनी चाहिए ना यार, अभी डायरेक्शन करेंगे। वो होना चाहिए था उसका, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग, बट एक होता ना एक चीज का क्लोजर मिलता है, मुन्ना का क्लोजर नहीं हुआ, वो आधे में रुक गई है, तो खैर मुझे लगता तो नहीं होगा। तो हम लोग ने जो वीडियो देखा है आप बाबा से मिल रहे हो, तो वो एकलव्य में ऑडियंस लाने के लिए था। मार पड़े ही दोनों, तुमको नहीं पड़ेगी मुझे पड़ेगी। आप लोग ने कपड़े भी तो उसी स्टाइल के पहने थे। नहीं थी, नहीं ऐसा नहीं है, स्क्रिप्ट थी, बनने की पूरी तैयारी थी। राजू का ना वो बड़ा सीरियस फिल्म मेकर है, बहुत ही जरूरत से ज्यादा तो नहीं कहना चाहिए, बट ही इज वेरी ऑनेस्ट यार, वेरी ऑनेस्ट। तो उसको कहीं पे भी लगेगा ना कि यार ये ठीक नहीं है, वो नहीं करेगा, नहीं करेगा वो, जब तक ही इज नॉट 200% श्योर ऑफ द स्क्रिप्ट ना, नहीं करेगा। ही इज सो डेडिकेटेड टू हिज वर्क। तो इसमें भी ऐसे ही था, इसमें माय नेम इज खान आ गई तो फिर कहीं पे लगा रहे यार ये सेम जैसा हो गया, कहीं ये हो गया वो, तो इससे होता है। बट अभी भी अगर राजू को पूछो ना तो वो ये कभी नहीं कहेगा कि नहीं, हाँ यार मैं लिख रहा हूँ, आई वॉन्ट, ही वॉन्ट्स टू मेक इट, राजू वॉन्ट्स टू मेक इट। मतलब ये पहली फिल्म है जहाँ पे प्रोड्यूसर बनाना चाहता है, एक्टर करना चाहते हैं, डायरेक्टर डायरेक्ट करना चाहता है, ऑडियंस देखना चाहते हैं, फिर भी बन नहीं रही है, बन नहीं रही है, लोग पैसे लगाने को तैयार है, सब कुछ है, सब कुछ फिल्म है, नहीं है। मैंने सुना था कि आप सेल्समैन भी थे। अरे मैंने क्या नहीं किया यार, बहुत कुछ किया, मैंने बहुत कुछ किया, बट क्या है ना, आई थिंक करना चाहिए जिंदगी में, सब कुछ करना चाहिए। और उस वक्त क्या होता था कि आप क्या कहते हैं, यू आर जस्ट वर्किंग, तो आप यू आर कभी ये जॉब वो जॉब, जो काम मिल गया कर दिया, जो काम मिल गया कर दिया। सर उसमें से एक ये भी था। अर्षद भाई आपने ये जो रिसेंटली जजिंग की है एक रियलिटी शो में झलक दिखला जा, इसमें फेवरेटिज्म होता है क्या? किसका? ऑडियंस की तरफ से? मेरा सी यू बाउंड टू लाइक समबडी, वो होता है। I'll be lying अगर मैं कहूँ नहीं मैं एकदम फेयर जज हूँ और ये सभी कंटेस्टेंट को मैंने सही बराबर से देखा है। इंसानों भी में आप जब मिलते हो चार लोगों, चार में से आपको एक आदमी थोड़ा ज्यादा पसंद आता है, तीन थोड़े काम आएंगे, उसका मतलब ये नहीं कि डोंट लाइक देम, बट लाइक मेरे लिए मुझे वो आदमी जब आपको अगर कोई समझो सी पसंद है तो आपको सी, आप सी को एकदम फेयर डिसीजन दोगे? फेयर फेयर नहीं, डिसीजन मेरा फेयर होता है, डिसीजन फेयर होता है 100%। जैसे मुझे, मैं बता रहा हूँ, मुझे अद्रीजा बहुत पसंद थी, बिकॉज छोटी सी लड़की है, इतनी टैलेंटेड है, इतना अच्छा डांस करती है वगैरह वगैरह वगैरह, बट मैंने उसको भी कम मार्क्स दिए,
उसको भी बहुत कम, जब उसका जब वो नहीं डिजर्व करती थी मैंने नहीं दिया उसको, तो वो है यू कांट हेल्प इट, यू हैव टू बी फेयर, दैट्स योर जॉब। भाई सर्किट जो कैरेक्टर था वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था? हाँ एक्चुअली दो तरफ, वो सही जगह पे टर्न हो गया, वो गलत जगह पे भी टर्न हो सकता था, रिवर्स में। कैसे बता रहा हूँ, तुम देखो ना वो रोल है क्या, विलन के पीछे चार पांच लुक्खे खड़े रहते ना पिक्चर में उनमें से एक था। आप मुझे बताओ आपको कितने वैसे चार लोग याद है जिंदगी में, हीरो के पीछे चार पांच लोग खड़े रहते, कोई भी याद नहीं होगा। तो ये वो रिस्क थी जो मैंने लिया था। बट आपको तो एकदम बड़ी वाला रोल था ना बाबा के साथ में, नहीं भाई अगर तुम देखोगे ना स्क्रिप्ट देखोगे ना उसमें रोल वो ही है, वो चार निखारा उसको आपने। वो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे पास राजू था एज अ डायरेक्टर और क्या नाम है संजू था एज अ को एक्टर। विनोद चोपड़ा ने तो मुझे साफ बोला था कि चार पांच गुने में से एक तेरा रोल है, तेरी लाइन दो तीन ज्यादा होगी बाकी लोगों से। विनोद चोपड़ा वाज वेरी ऑनेस्ट कि ये तुम्हारा रोल है। हाँ वो ही रोल था। एंड मुझे संजू का भी मैं उसको जानता था, आई न्यू कि संजू इज अ वेरी सिक्योर एक्टर, उसको परवाह नहीं है, इनसिक्योर नहीं है। मुझे राजू ने फ्रीडम बहुत दिया, बहुत दी। और मेरे इनहेरेंटली जब मैं कुछ काम करता हूँ तो मैं बड़ा घुस जाता हूँ, और थोड़ा सा ह्यूमर भी है तो मैं अपने जो आइडियाज है ना वो देते रहता हूँ। मेरे ख्याल से वो करना, मेरे हिसाब से ना हर एक्टर को वो करना चाहिए, वो कई एक्टर बोलते नहीं डालना ही चाहिए। आपका काम है मेरे हिसाब से एज एन एक्टर कि आप जो फिल्म करते हो ना तो जितने लोग हैं ना उस डिपार्टमेंट के एक्टर डायरेक्टर फॉर DOPs एंड जूनियर आर्टिस्ट एंड सभी दे शुड ऑल, अगर उनके दिमाग में कुछ आना तो बोलना चाहिए सर ये ऐसा था कैसा लगेगा, बिकॉज कलेक्टिवली फिल्म एक आदमी बना ही नहीं सकता, सब मिलके ही बनती है फिल्म। जिसका अभी हम लोग वेलकम के लिए शूट कर रहे हैं, अक्षय है और सुनील है, अक्षय भी फुल ऑन लगा ही रहता है, मतलब एक सेकंड नहीं रुकता उसके दिमाग चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। सुनील ने भी एक टाइम बोला था हम लोग कोई फिल्म कर रहे थे, अच्छा तू इम्प्रोवाइज करेगा ना, तो मैं बोला हाँ, बोलता भाई तेरे लिए नहीं मेरे लिए बना तुम्हारे लिए करूँगा। संजय दत्त और आपका बॉन्ड कैसा है? बढ़िया है, बहुत अच्छा है, सच्ची बात है, वो बहुत कमाल आदमी है यार, स्वीट गाय यार, वो अपने यू नो मेरे को तो बड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है वो आदमी, सब ने क्या क्या चीज़ों से गुजर चुका है अपनी जिंदगी में। वो तो हम सब संजू बाबा पिक्चर देखने के बाद में समझ रहे हैं। नहीं नहीं, बट उसकी जिंदगी में से ज़्यादा भी है, बहुत है, वो तो खैर जितना इंसान दिखा सकता था दिखा सकता है, बट यू नो जो ट्रॉमा आप जिससे गुजरते हो कई चीज़ें आप बता नहीं पाते हो, बट काफ़ी उसने गुजरा है यार, बहुत प्यारा आदमी है वो। हाँ मस्त है, क्या अजीब रैंडम सा मैसेज आता है मेरे को कभी कभी, ब्रो आई एम मिसिंग यू यार, वेरी स्वीट है। फिर कभी फोन आएगा कहीं ब्रो आई एम इन अफ्रीका शुड आई गेट यू समथिंग, मैं दो हाथी ले आऊंगा भाई। आदि या सर्किट कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है आपका? यार मैं सच बता रहा हूँ मुझे दोनों ही नहीं पसंद है। मुझे एक्चुअली क्या पसंद है मालूम है? इश्किया का बब्बन पसंद है। हाँ यार वो मस्त है कैरेक्टर, वो मुझे बहुत मजा आता है करने में। आदि और ये आदि एंड सेकंड मेरे लिए ना इट इज मेंट फॉर एवरीबडी एल्स, वो सबके लिए मैंने किया। अच्छा जो आपने आपके लिए किया है? मुझे इश्किया का बब्बन पसंद आया था। इतना छिचोरा इतना घटिया इंसान है वो, बहुत मजा आया करने में। भाई ये सवाल क्या आपने कभी नेपोटिज्म फेस किया है? हाँ वो तो होना है यार, अभी इंडस्ट्री में है एंड इफ अगर आपका क्या कहते हैं इफ यू आर नॉट कनेक्टेड तो इट इज़ बाउंड टू हैपन। बट यू नो समथिंग, आई हैव नो प्रॉब्लम विद नेपोटिज्म एट ऑल। ये जो इतना हंगामा इसका हो रखा है ना मेरे हिसाब से इतना इलॉजिकल है, बिकॉज आज अगर मैं डॉक्टर होता या मैं होता तो मेरा बच्चा आई वुड वॉन्ट इफ आई वॉज इन टू कंस्ट्रक्शन लेट्स से इफ आई वॉज अ बिल्डर I want my son to take over and go ahead and take my business further. It's a normal thing in every profession. Why is it a problem in our industry? You know why? Because our problem, hamara problem ye hai ki har gadha samajhta hai ki usko dusre se acha hai. That is the problem. Sabko lagta hai main isse acha hu, iska baap famous hai, iske liye usko mila, nahi to main to uski band baja do. Nahi aisa nahi hai. Gadho itne itne sare फेमस माँ बाप के लोग आए हैं बेचारे एंड दे नेवर मेड इट। हाँ ये बात जरूर है कि उनके लिए सब कुछ आसान है, चीजें दरवाजे खुल जाते हैं,
बाकी लोगों को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। बट एक और चीज सोचनी है, जद्दोजहद में आपको बहुत कुछ सीखने भी, बहुत सीख जाते हो आप मंझ जाते हो। सही बात, जब मेहनत से मिलती है ना वो चीज रहती है, उसकी अहमियत भी समझ, अहमियत भी समझ में आती है, आपका एक नेचर ही अलग हो जाता है। सही बात है, पर ऑडियंस को हंसाना कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मुश्किल भी है। इफ अ पर्सन डजंट नो हाउ टू डू कॉमेडी वो बेवकूफ लगने लगता है स्क्रीन पे, और वो फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जाना चालू हो जाता है। नहीं बेवकूफ, ही स्टार्ट्स लुकिंग फूलिश। यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट, लाइक देयर आर सम एक्टर्स हु आर नॉट गुड विद कॉमेडी बट दे आर स्मार्ट, दे आर इंटेलिजेंट, सो दे बैड पीपल अराउंड देम एंड दे वर्क अराउंड इट एंड डायरेक्टर्स डू इट, वो संभाल के निकाल लेते हैं। एक अच्छी मीठी बात कह के, गुड अच्छी बातें कह के आप हंसा सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते आप, किसी को डरा के ऐसा नहीं सकते। हंस हल रात थप्पड़ हंस, ऐसा नहीं हो सकता। एक्टिंग की जर्नी में कोई डिफिकल्टीज आई आपको आगे बढ़ने में? बहुत है, बहुत, वो तो आज भी आती है, आज भी आती है, वो चलता है, वो तो हर किसी को। यहाँ पे वो नेपोटिज्म की भी बात होती है, जैसे आई मीन आज मेरे को 27 साल होने हैं इंडस्ट्री में, आज भी मैं फिल्म में ओके हो जाता है, डेट हो जाती है, फिर एक स्टार के रहता है और मेरे हाथ से फिल्म चली जाती है, वो आज भी होता है, वो चलता ही रहेगा। उससे अभी वो एज आई सेड यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन एंड नॉट क्राई अबाउट इट एंड दिस इज हाउ इट्स गोना हैपन। मुश्किलात मालूम क्या है, आई थिंक जब इंसान को, एक्टर को मेरे हिसाब से, अगर आपको अपना काम आता है तो आपको बिल्कुल किसी चीज़ की फिक्र नहीं करनी, बिकॉज उसके बाद सिर्फ वक्त की बात होती है। लोग या तो आज आपको पहचानेंगे या तो कल पहचानेंगे या तो परसों पहचानेंगे ज़रूर। अगर आपको अपना काम नहीं आता फिर आप फंस गए, फिर आपको अगर आज नहीं पहचाना तो शायद कल भी नहीं पहचाना, और अगर कल पहचान लिया तो परसों शायद भूल जाएंगे। सो ये होगा, यू नो अमित जी को कोई नहीं भूल सकता, नसीर साहब को कोई नहीं भूल सकता, सही बात है, ऋषि कपूर को कोई नहीं भूल सकता, लेकिन ऐसे कई एक्टर है जो आप वो है भी नहीं आज, कहीं पे भी नहीं है, यू नो वो हीरोज बट आज वो नहीं है। भाई कोई एक पॉजिटिव साइड और कोई एक नेगेटिव साइड एक्टिंग के? देयर इज एवरीथिंग अबाउट एक्टिंग दैट इज पॉजिटिव, इससे प्यारा प्रोफेशन नहीं है दुनिया में। इसकी प्रॉब्लम बताता हूँ आपको, हर दिन आपका अलग होता है, ठीक है, आप मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, आप एक इंसान बन के पूरी जिंदगी नहीं काटते, आप कभी पुलिस वाले हो आज तो कल डॉक्टर बन गए, कल ये बन गए, आज आप दुखी हो कल आप हंसा रहे हो, और लोगों पे आपका इंप्रेशन जो पड़ता है वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आप जो खुशी दे रहे हो लोगों के वो, ये सब चीज़ें जो है ना ये कमाल की चीज़ है। नाउ द प्रॉब्लम इज यही चीज़ नेगेटिव है, यही चीज़ अगर आपने अपने सर पे और अपने दिल पे ले ली ना तो फिर आप गए। 90% एक्टर्स गो सिनाइल इन देयर ओल्ड एज, बिकॉज वो दिन में जॉब के वक्त वो किसी और आदमी बन के घूम रहे हैं, और बाद में वो फिर जब व्हेन यू नीड टू कम बैक टू रियलिटी आप फिर भी कोई और बने हुए हैं। अब आप, मैं सो एंड सो एक्टर हूँ तो मैं अब ऐसे बात करता हूँ, मैं वैसे बात करता हूँ, मैं यूँ चलता हूँ, मैं वो करता हूँ, आप रियल हो ही नहीं रहे, यू हैव टू कम बैक टू, लाइक व्हेन यू गो टू ऑफिस यू वर्क इन द ऑफिस, फिर आप घर आते हो तो आप घर पे हो ना, एक्टर वो नहीं करता ना, एक्टर घर पे भी आके वो एक्टर ही रहता है। समझ गया भाई, मैं समझ रहे हो ना, यू हैव टू लीव योर जॉब एंड कम बैक टू रियलिटी। ये दो चीज़ अगर आपने बैलेंस कर ली ना तो सही रहेगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि आप फंस जाओगे। आप इफ यू नोटिस यू सी ऑल द एक्टर्स जो बहुत फेमस थे एंड दे नेवर लेफ्ट देयर यू नो व्हाट यू कॉल स्टाइल एंड ऑरा, जो छोड़ा नहीं उन्होंने कभी, वो जब उम्र हो गई ना तो थोड़े से फटे आ गए, बिकॉज आप अपनी पर्सनैलिटी गायब हो जाती है ना, आप जो पैदा हुए थे, जो इंसान थे उसको तो आप कभी मिले, आपका रहन सहन था जो थे आप, वो तो गया। अच्छा मैं एक चीज पूछूं, मेरा पर्सनल सवाल, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं जानना चाहता हूँ, अभी मैं डिजिटली इतना ज्यादा अपने आप को खुल गया हूँ, मुझे लोगों ने पर्सनली जान लिया है, मैं अगर कुछ खा रहा हूँ तो वो भी बता रहा हूँ, सोने जा रहा हूँ तो वो भी बता रहा हूँ, मेरी एक पर्सनैलिटी लोगों के माइंड में सेट हो चुकी है कि हाँ ये बंदे की पर्सनैलिटी और इसका कैरेक्टर ऐसा है। कल को अगर मैं मूवी करता हूँ, पिक्चर करता हूँ, और मैं मेरा 100% देता हूँ, जितना मैं दे सका, काम अच्छा करके देता हूँ अपनी तरफ से, तो क्या जो मूवी आएगी उस पर मेरे काम पे इम्पैक्ट पड़ेगा? मतलब इम्पैक्ट इन सेंस पर्सनैलिटी पे, मतलब जो मूवी के जो मैं कैरेक्टर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, पब्लिक ऐसा तो नहीं सोचेगी यार
अरे यार ये तो इतना ऐसा था मगर ये अजीब सा एक्टिंग कर रहा है। नहीं नहीं वो एक्टिंग तो मच्छी करना ही पड़ेगा ये मैं बता दूंगा, वो तो मैं समझ गया। वो तो है, यू हैव टू व्हाटएवर यू डू इन लाइफ यू हैव टू डू इट द बेस्ट, वो ठीक है। ठीक है, यू नो एक अमित जी की अग्नि पता है थी, उसके अंदर उन्होंने एक बेस आवाज में बात की थी, अलग सी आवाज में बात की थी, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ था, बट उस टाइम दौर अलग था। आज की तारीख में अमित जी ने पा की जहाँ पे वो बच्चे टकले बने किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। आज जेनरेशन अलग है, हम लोग आज के लोग समझदार है, दे अंडरस्टैंड कि दिस इज सिनेमा एंड दिस इज एक्टिंग, यू नो, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। भाई कोई हिडन टैलेंट जो अभी तक लोगों को पता नहीं है? पेंटिंग वेंटिंग करता हूँ थोड़ी बहुत। पेंटिंग करते हो? नॉट बैड, मतलब है मेरे कुछ दोस्त यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग मेरे घर से उठा के लेके चले जाते हैं। हाँ। बट क्या पेंटिंग करता हूँ। मैंने सुना आप खाना भी अच्छा बनाते हो। हाँ वो टैलेंट नहीं, वो तो शौक है। शौक है, शौक है। मेरे को खाना भी वही पसंद है ना, जैसे मैं कहता हूँ मियाँ भाई खाना जो होता है ना, मियाँ भाई खाना, पंजाबी खाना, ये मौत का खाना है। ये खा के आदमी 100% एक महीने पहले मर जाएगा। धमाल मूवी में जो 10 करोड़ एंड में डोनेट करी, 10 करोड़ थी जो थे वो ऑर्फेनेज वालों को नहीं मिले। हाँ वो मेरे डायरेक्टर को मिले, उसने मुझे भी पैसे नहीं दिए, सारे पैसे खा गया। ऑर्फेनेज या ऑर्फेनेज थी ही नहीं। उसमें चार ऑर्फेनेज थे जो एक्टर लगते उसमें। लाचार जो लाचार बेसहारा लोग थे धमाल में, वो सारे पिक्चर में एक्ट कर रहे थे। ओके, शूटिंग के दौरान आपको करंट लगा था तो आपका नाम सर रख दिया? नहीं। ओके, वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर्स एज यू हैव ऑलवेज मेंशन इन ऑल योर इंटरव्यूज दैट यू थैंक जया बच्चन। यस यस, दैट वुमन इज अनबिलीवेबल। उन्होंने ना मेरी फोटो देख के उन्होंने, उनको पता चल गया कि इस बंदे को एक्टिंग आती है। मैंने जिंदगी में कभी एक्टिंग नहीं की। क्या बात है, मेरा उन्होंने स्क्रीन टेस्ट तक नहीं लिया था। हाँ। फोटो देखी और मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों लिया, क्योंकि मैंने तो ऐसी घटिया फोटो भेजी थी ना, पैसे तो थे नहीं, मतलब कौन डेवलप करके खर्चा करे। वैसे मुझे मालूम था मुझे पिक्चर मिलने वाली है नहीं, तो ये ज़बरदस्ती का हो रहा था, टाइम वेस्ट। बट फिर बाद में बहुत टाइम बाद जब पहचान हुई ना अच्छी, मतलब यू नो आफ्टर मेनी ईयर्स, जना हंसते हंसते जय जी आपने सच्ची बताया, ऐसे आपने मुझे क्यों लिया पिक्चर में, ऐसे तो ऐसी घटिया फोटोग्राफ मैंने आपको भेजी थी। चीता रशद 36 फोटोग्राफ थी एक रोल में, तुमने 36 फोटोग्राफ खींचे, उसमें सब में अलग एक्सप्रेशन थे, यू आर नॉट फ्राइटन ऑफ द कैमरा एट ऑल एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंप्रेसिंग एनीबडी ऑल्सो, बट शी सॉ, सो शी इज दैट बहुत वेरी ब्राइट वुमन। ओके, मुन्ना भाई फिर से आएगी? नहीं मुझे नहीं लगता। यूट्यूब पर आपके मीम्स जो लोग यूज करते हैं YouTube आपको उसका रॉयल्टी, तुमको भी तकलीफ हो रही पड़ने में। मिलनी चाहिए रॉयल्टी, मुझे नहीं मिलती है, कोई नहीं देता कुछ भी भाई, ये कमी नहीं हुआ, YouTube देता ही नहीं है, अगर देगा ना तो आपका तो काम हो गया भाई। मुझे ना कसम से ऐसा लग रहा है मैं पिक्चर में हूँ। मैं जो आपकी बातें सुन रहा हूँ और जो उसमें पंच और वो हंसी आ रही है ना, वो हंसी का वो एक लाफ्टर जो है ना, वो भी एकदम पिक्चर में सेम है। ऐसे ही होना चाहिए ना लाइफ में, ऐसा ही होता है। मैं कभी कभी कहता हूँ ना शूट करने के वक्त रिहर्सल करते ना, तो एक दो बार मैंने ऐसी रिहर्सल किया और मेरे को एक्टर ने डायलॉग बोला, बोला यही तो डायलॉग था। तो बोला भाई अभी 2024 में कुछ नया देखने मिलेगा आपको? हाँ मेरे ख्याल से 2-3 पिक्चरें तो है, एक बंदा सिंह एक पिक्चर है, मुझे नाइस सोशल टाइप की पिक्चर है अबाउट टेररिस्ट एंड ऑल दैट, फिर एक घमासान पिक्चर है वो मस्त पिक्चर है, वो दैट्स अबाउट अ डेकॉइट दिग्बांशु, बढ़िया है। वेलकम शूट कर रहा हूँ अभी, और वेलकम आ रही है। हाँ वेलकम की अभी शूटिंग खत्म हो जाएगी उसकी, वेलकम खत्म करके अक्षर में यहाँ से सीधा निकल जाएंगे राजस्थान, जॉली एलएलबी शूट करने।